हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हाइक्स। माय नेम इज विपिन सिंह और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अगर आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यार, तो रेड बटन को दबाओ, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि हमारी वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री का कवर करेंगे, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये एक ऐसा पर्टिकुलर वीडियो है जिसमें स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा फियर होता है, बहुत ज़्यादा डर होता है कि सर ये वीडियो में, ये पर्टिकुलर चैप्टर हमें समझ नहीं आ रहा, इसमें कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कुछ भी उनको समझ नहीं आता। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने क्लास 9th में हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 फ्रेंच रिवोल्यूशन पढ़ा है तो आप इस चैप्टर को बहुत आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, क्योंकि उसी के आगे की कहानी और उसी से रिलेटेड आपके चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री के क्लास 10 के राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में आपको बताया जाएगा। तो आइए इस पर्टिकुलर वीडियो को कवर करते हैं। देखिए पहले मैंने आप सबसे पहले ही बता रखा, मैं फिर भी कह रहा हूँ कि जितने भी आपके चैप्टर्स होंगे एसएसटी के, मैं सभी चैप्टर्स को पार्ट्स में कवर करूँगा। तो ये हिस्ट्री के चैप्टर 1 का पार्ट 1st है, ठीक। इस पार्ट में मैं केवल नेशनलिज्म का डिफिनेशन, फ्रेंच रिवोल्यूशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें, और उसके बाद नेशन स्टेट क्या है, इसका आइडिया कहाँ से आया, ये चीज़ें कवर करेंगे। थोड़ा बहुत हम जानेंगे नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में और नेपोलियन बोनापार्ट के सिविल कोड ऑफ 1804 के बारे में, और कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, ओके, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, ठीक। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जो हम इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, ठीक। अब देखिए इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे दूँ आपको। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का मतलब क्या? यूरोप में नेशनलिज्म की भावना का उदय होना, यूरोप में जो नेशनलिज्म की भावना थी, मतलब कि जो देशभक्ति की भावना थी, उसका उदय होना, ठीक। अब सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये नेशनलिज्म क्या, ठीक, डिफिनेशन ऑफ नेशनलिज्म, नेशनलिज्म का मतलब क्या। तो नेशनलिज्म को आप क्या पेट्रियोटिज्म भी कह सकते हैं, ठीक है। नेशनलिज्म को हम पेट्रियोटिज्म भी कह सकते हैं। नेशनलिज्म का जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो ये है, नेशनलिज्म रिफर्स टू पेट्रियोटिक फीलिंग टुवर्ड्स द नेशन, अपने देश के प्रति जो कुछ करने की चाहत होती है, देश के प्रति कुछ भी करने की जो चाहत होती है, जो लव होती है, जो प्राइड होती है, उसी को हम कहते हैं नेशनलिज्म। हिंदी में से कहा जाता है सीधा सीधा देशभक्ति, ठीक। जब भी किसी इंसान के अंदर कोई ऐसी भावना है जिसमें वो अपने देश के लिए कुछ करना चाहता है, तो ये जो भावना होती है, जो ये फीलिंग होती है, यही कहलाती है आपकी नेशनलिज्म। तो पूरे के पूरे यूरोप के लोगों के अंदर ये नेशनलिज्म की भावना आई कहाँ से थी? पूरे के पूरे यूरोप के लोगों के अंदर ये नेशनलिज्म की भावना आई थी फ्रेंच रिवोल्यूशन से। कहाँ से? फ्रेंच रिवोल्यूशन से। और आई क्यों थी, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये फीलिंग लोगों के अंदर इसलिए आई थी, द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इज क्रिएट अमंग द यूरोपियन टू डिमोलिश द मल्टी डायनेस्टिक सिस्टम एंड फॉर्म अ नेशन स्टेट। सभी के अंदर ये भावना इसलिए आई थी कि सभी लोग चाहते थे कि पूरे के पूरे यूरोप में, जो जहाँ से बिलोंग करता था, सभी जगह से मल्टी डायनेस्टिक सिस्टम को, मोनार्की टाइप ऑफ गवर्नमेंट को ख़त्म किया जाए और एक नेशन स्टेट स्टैब्लिश किया जाए। नेशन स्टेट बताएं तो, नेशन स्टेट का मतलब कि एक ऐसा पर्टिकुलर देश, एक ऐसा पर्टिकुलर स्टेट जहाँ पर सभी पर्सन क्या हो, इक्वल हो, किसी भी पर्सन के पास कोई भी प्रिविलेजेस बर्थ से ना हो, सारे के सारे पर्सन क्या हो, इक्वल हो, ना तो कोई कॉमन पीपल हो और ना ही कोई राजा महाराजा हो। तो आपके जितने भी यूरोपियंस थे, सभी यूरोपियंस के अंदर नेशनलिस्ट की भावना आई थी फ्रेंच रिवोल्यूशन से, और नेशनलिस्ट की भावना इसलिए आई थी, वो सभी के सभी मोनार्की टाइप ऑफ गवर्नमेंट को एबॉलिश करना चाहते थे और मोनार्की टाइप ऑफ गवर्नमेंट को एबॉलिश करना चाहते थे और नेशन स्टेट को एस्टैब्लिश करना चाहते थे, ठीक। अब देखिए हम दूसरे शब्दों में भी नेशनलिस्ट की भावना को क्या कर सकते हैं, नेशनलिज्म को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे इन अदर वर्ड We also can say that an idea which create in our mind to do something for our nation's love. अपने देश के प्यार के लिए, अपने देश के लिए जब हम कुछ करना चाहते हैं और जब कोई ऐसी फीलिंग हमारे अंदर क्रिएट होती है तो इसे कहते हैं नेशनलिज्म, ओके। तो आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा नेशनलिज्म का मतलब क्या है। नेशनलिज्म एक प्रकार की फीलिंग होती है जो सभी के अंदर आती है, जब कोई अपने देश के प्रति कुछ करना चाहता है, ऐसी फीलिंग जब लोगों के अंदर क्रिएट होती है तो इसी फीलिंग को नेशनलिज्म कहा जाता है, ओके। देशभक्ति की भावना इसे हिंदी में कहते हैं, ठीक। अब देखिए सेकेंड स्लाइड है आपका,
ये आपके फ्रेंच रिवोल्यूशन के बारे में। तो क्लास नाइन्थ के चैप्टर नंबर वन में आपने सभी ने फ्रेंच रिवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था, ठीक, कि 1789 में आपके फ्रांस में क्या होता, फ्रांस में जो मोनार्की टाइप ऑफ गवर्नमेंट थी वो वहाँ के लोगों पे लगातार अत्याचार कर रही थी, ठीक है, टैक्सेस इंक्रीज कर दे रहे थे, उसके बाद कहते हैं फूड्स के प्राइस को बढ़ा दे रहे थे, जिसके कारण वहाँ पे रिवोल्यूशन होता है। ये एक हिस्टोरिकल रिवोल्यूशन था जो वहाँ पे 1789 में हुआ था और इसने पूरे यूरोप के साथ साथ पूरे वर्ल्ड को भी इंस्पायर किया था। तो जो नेशनलिस्ट की भावना थी, जो नेशनलिस्ट की फीलिंग पूरे यूरोपियंस के अंदर क्रिएट हुई थी, वो क्रिएट हुई थी आपकी किससे, फ्रेंच रिवोल्यूशन से, ठीक। अब थोड़ा सा फ्रांस के बारे में जान लेते हैं, फिर मैं आपको नेशन स्टेट का मतलब भी बताऊंगा कि नेशन स्टेट क्या है, ठीक। इन 1789 अ हिस्टोरिकल रिवोल्यूशन वॉज टू प्लेस विच इंस्पायर द इंटायर वर्ल्ड टू फॉर्म अ नेशन स्टेट एंड डिमोलिश द डायनेस्टिक सिस्टम। 1789 में एक ऐसा रिवोल्यूशन होता है आपके फ्रांस में जो पूरे के पूरे वर्ल्ड को, पूरे यूरोप के साथ साथ पूरे वर्ल्ड को इंस्पायर करता है कि मोनार्की टाइप ऑफ गवर्नमेंट को ख़त्म किया जाए और नेशन स्टेट को एस्टैब्लिश किया जाए, मतलब राजा महाराजाओं वाले सरकार को ख़त्म कर दिया जाए और एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाई जाए जिसमें सभी पर्संस क्या हों, इक्वल। अब 1789 में आपके फ्रांस में रिवोल्यूशन क्यों हुआ था, ये थोड़ा सा हम बता दें। 1789 में फ्रांस में लुई 16 थे वहाँ के किंग, ठीक, ये बर्बन डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। सेकंड थिंग, ये एक नया फॉर्म ऑफ टैक्स, एक नया टैक्स वहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाहते थे 1789 में। क्यों? क्योंकि इनका जो ट्रेजरी मनी था, ये इमीडिएट कॉज बता रहा हूँ मैं आप सभी को, फिर से ध्यान दीजिएगा, दिस इज ऑनली इमीडिएट कॉज, ओके। 1789 में लुई 16 आपके एक न्यू फॉर्म ऑफ टैक्स को इंट्रोड्यूस करना चाहता था। क्यों करना चाहता था? क्योंकि ट्रेजरी मनी जो था वो एम्प्टी हो गया था। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही एक्स्ट्रावेगेंट नेचर का व्यक्ति था लुई 16, बहुत ही लग्जरियस लाइफस्टाइल जीता था, ठीक है। बहुत ही लग्जरियस लाइफस्टाइल जीने का मतलब है ये अपने लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड के ऊपर, अपने लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता था। जो रिवेन्यू का पैसा कलेक्ट होता था, उस रिवेन्यू के पैसे को ये अपने पर्सनल यूज में एक्सपेंस करता था, जिसके कारण क्या होता है 1789 में ट्रेजरी मनी एम्प्टी हो जाता है और ये एक नया टैक्स इंट्रोड्यूस करने की बात करता है। अब वहाँ पे क्या था, फ्रांस का जो पॉपुलेशन स्ट्रक्चर था वो कुछ इस तरीके से था कि वहाँ पे पूरी सोसाइटी 3 स्टेजेस में डिवाइड थी। पहले स्टेट के लोग थे आपके क्लर्सी, सेकेंड स्टेट के लोग थे आपके नोबेल्टी और थर्ड स्टेट के लोग थे आपके कॉमन पीपल्स, और टैक्सेस केवल कौन पे करता था, कॉमन पीपल। तो कहने का ये मतलब है कि फ्रांस को सोसाइटी में इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा था, ठीक, और वहाँ के लोगों को ये पसंद बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। तो 1789 में जब राजा एक नए टैक्स को इंट्रोड्यूस करने की बात करता है तो वहाँ के लोग उसके अपोज में आ जाते हैं और फिर स्टार्ट होता है रिवोल्यूशन। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, इन दिस टाइम मोस्टली कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कॉमन पीपल्स डज नॉट हैव एनी राइट, इट इज़ ऑल्सो हेरिडिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखिए ये कह रहा है कि जिस समय की ये बात हो रही है 1789 के समय में पूरे वर्ल्ड में मोस्टली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें सारी पावर्स आपके राजा के पास होती है, राजा अपने मनमानी तरीके से पूरे देश को चलाता है, यहाँ पे कॉमन पीपल्स के पास कोई भी राइट्स नहीं होते हैं, और इसे हेरिडिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि राजा के मरने के बाद अगर कोई भी उसकी जगह लेगा तो वो उसका सक्सीजर, उसका वारिस होगा, उसका नॉमिनी होगा, ओके, मतलब कि सन वगैरह, ठीक। तो यहाँ पे ये हेरिडिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी होती है, यहाँ पे कॉमन पीपल्स के पास कोई भी अधिकार नहीं होते हैं, ठीक। तो यहाँ तक आप सबके समझ में आया, अब हम आगे बढ़ते हैं, ओके। अब देखिए 1789 द रिवोल्यूशन वॉज स्टार्टेड बाई कॉमन पीपल अगेंस्ट द किंग बिकॉज कॉमन पीपल वॉन्ट्स टू एस्टैब्लिश अ नेशन स्टेट। 1789 में कॉमन पीपल्स ने यह रिवोल्यूशन स्टार्ट कर दिया। क्यों स्टार्ट कर दिया? क्योंकि वो मोनार्की टाइप ऑफ गवर्नमेंट को अब खत्म करना चाहते थे, क्योंकि राजा दिन प्रतिदिन उनके ऊपर बहुत अत्याचार कर रहा था, वो सब एकदम तंग आ चुके थे, और 1789 में उन्होंने इस रिवोल्यूशन को स्टार्ट कर दिया राजा के अगेंस्ट। क्यों स्टार्ट किया? उनकी केवल एकमात्र डिमांड थी कि एबॉलिश द मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड एस्टैब्लिश द नेशन स्टेट। नेशन स्टेट को एस्टैब्लिश करने की बात वो लोग कर रहे थे, ठीक। और 1791 में आपके मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ख़त्म कर दिया गया और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को एस्टैब्लिश कर दिया गया। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होती है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें राजा की पावर को लिमिटेड कर दिया जाता है,
गवर्नमेंट की पावर को 3 फॉर्म्स में डिवाइड कर दिया जाता है, लेजिस्लेटिव में, एग्जीक्यूटिव में और जुडिशरी में। एक नेशनल असेंबली का सेटअप कर दिया जाता है। अब अगर राजा कोई भी डिसीजन मेक करेगा तो उसको नेशनल असेंबली के मेंबर्स से कंसर्न करना होगा। बिना उनकी परमिशन के वो कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। मतलब कहने का ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें राजा की पावर्स को लिमिटेड कर दिया जाता है, और राजा भी अगर आप कोई डिसीजन मेक करेगा तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। तो 1791 में आपके फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई थी और मोनार्की टाइप ऑफ गवर्नमेंट को एबॉलिश कर दिया गया था। और फाइनली 1793 में वहाँ पर डेमोक्रेसी आ जाती है जैकोबिन्स के द्वारा, जैकोबिन मेंबर्स के द्वारा। जैकोबिन्स के फाउंडर थे आपको पता है, रॉबेस्पियरी, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरी। ओके, अब देखिए 70 और डेमोक्रेसी जब वहाँ पर इस्टेब्लिश होती है फ्रांस में, तो दो सालों में 1793 और 1794 में रिग्न ऑफ टेरर बोला गया है इस पर्टिकुलर 2 ईयर के टाइम पीरियड को। क्यों? क्योंकि इन दो सालों में मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरी वहाँ पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करता है, अपने मनमारी तरीके से ये भी राज करता था, लोगों को मार दिया करता था जो भी इसके खिलाफ जाता था। तो लोगों को ये एहसास हो गया कि जब किसी एक के हाथ में पूरी पावर जाएगी तो वो उसका गलत यूज़ करेगा ही। तो डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट को भी ख़त्म कर दिया जाता है। और 1795 में डायरेक्टरी आ जाती है। डायरेक्टरी एक ऐसी रूल होती है जिसमें गवर्नमेंट की पावर्स को 5 पर्संस में डिवाइड कर देते हैं। लेकिन इसका भी एक ड्रॉबैक था। इसका क्या ड्रॉबैक था कि सभी पर्सन बहुत ज़्यादा ग्रीडी थे और करप्ट थे। ठीक है, इन सभी के जो आइडियाज़ थे वो एक दूसरे से कभी भी, मतलब एक दूसरे के आइडियाज़ कभी भी सेम नहीं थे। ठीक है, एक दूसरे के आइडियाज़ में बराबर ये लोग इंटरप्ट करते थे, और सभी बहुत ज़्यादा करप्ट थे, बहुत ज़्यादा लालची थे। अपने फ़ायदे के लिए ये लोग वर्क कर रहे थे, कंट्री के वेलफेयर के लिए वर्क बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे, वहाँ के सोसाइटी के लिए वेलफेयर, सोसाइटी वेलफेयर के लिए वर्क बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। और फाइनली क्या होता है, 1799 दिसंबर का महीना था, 1799 का ईयर था, नेपोलियन बोनापार्ट जो कि फ्रांस का ही था, ठीक, फ्रांस का ही रहने वाला था, फ्रांस के एक नोबेल, एक रिच फैमिली से बिलोंग करता था, उसने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया, इस डायरेक्टरी के मिसमैनेजमेंट का फ़ायदा उठाकर उसने क्या किया, वहाँ पे डिक्टेटरशिप स्टैब्लिश कर दी। कहाँ पर? फ्रांस में। ठीक, तो स्टूडेंट ये कुछ फ्रांस की स्टोरी थी। ठीक है, देखिए राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप को कवर करने से पहले थोड़ा बहुत तो आपको इसके बारे में जानना होगा। ओके, और नेपोलियन बोनापार्ट का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नेपोलियन बोनापार्ट के से रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार 10th के बोर्ड एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं कि बताइए नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में, राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन नेपोलियन बोनापार्ट, या नेपोलियन बोनापार्ट्स के रिफॉर्म्स के बारे में बताइए। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके नेपोलियन बोनापार्ट्स के बारे में आते रहते हैं। तो आइए हम नेपोलियन बोनापार्ट्स के बारे में जानते हैं। देखिए अभी आपको नेशन स्टेट, हाँ नेशन स्टेट बता दें, मैंने तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में थोड़ा बहुत आपको बता दिया कि जो नेशनलिस्ट की भावना पूरे के पूरे यूरोपियंस के अंदर आई थी, जिसने पूरे यूरोपियंस को एज वेल एज पूरे वर्ल्ड को इंस्पायर किया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने, कि राजा महाराजा वाली सरकार को ख़त्म करो और नेशन स्टेट को इस्टेब्लिश करो। ठीक, तो अब ये नेशन स्टेट वाकई में है क्या, ये नेशन स्टेट वाकई में है क्या? तो नेशन स्टेट की डेफिनेशन यहाँ पे देखिए, एन इंडिपेंडेंट कंट्री एस्पेशली व्हेन थॉट ऑफ एज कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल और शेयरिंग द सेम लैंग्वेज ट्रेडिशन एंड हिस्ट्री। नेशन स्टेट का मतलब होता है कि एक ऐसी कंट्री, एक ऐसा स्टेट जहाँ पे सभी को आज़ादी मिल गई हो, उनका अपना एक कॉमन कल्चर हो, उनकी अपनी एक कॉमन लैंग्वेज हो, उनका अपना एक कॉमन हिस्ट्री हो, ट्रेडिशन हो, ठीक है, वो उन सबको शेयर कर रहे हों और बहुत ही अच्छे से आज़ादी से अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि नेशन स्टेट एक ऐसा आज़ाद स्टेट होता है जहाँ पे सभी पर्संस इक्वल होते हैं, सभी का कॉमन लैंग्वेज, कॉमन कल्चर होता है। लेकिन देखिए एक बहुत ही फेमस फिलोसोफर थे आपके फ्रेंच के, बहुत ही फेमस फिलोसोफर थे जो सॉर्बोन की यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेसर का वर्क करते थे, अर्नेस्ट रेनन। अर्नेस्ट रेनन ने क्या कहा था, अर्नेस्ट रेनन ने बोला था, ये उनके द्वारा दी गई डिफिनेशन है, बहुत ही अच्छी डिफिनेशन है, आप सभी को इसको याद रखना चाहिए नेशन स्टेट की। ये कहते थे कि नेशन स्टेट का मतलब ये नहीं कि आपके एक कॉमन कल्चर हो, कॉमन आइडेंटिटी हो, आपकी कॉमन हिस्ट्री हो। नेशन स्टेट का मतलब होता है कि एक ऐसा पर्टिकुलर स्टेट जिसको बनाने में बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस आपके पूर्वजों ने, आपके जो एंशेंटर्स थे बहुत ज़्यादा उन्होंने सेक्रीफाइसेस किया हो। ठीक है, जिसका एक क्या हो, जिसका एक हीरोइक पास्ट हो। ये कहते थे जिसका एक हीरोइक पास्ट हो, जिसमें बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस एंड डिवोशंस हुआ हो, वो चीज़ आपकी एक नेशन स्टेट होता है।
जैसे आपको मैं बता दूं, आज अगर इंडिया हमारी कंट्री आज़ाद है तो क्यों आज़ाद है? हमारे फ्रीडम फाइटर्स की बदौलत। तो फ्रीडम फाइटर्स एक हिस्टोरिक पास्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रीडम फाइटर्स सेक्रीफाइस एंड डिवोशंस को प्रेजेंट करते हैं। तो अर्नेस्ट रेनन कहते थे कि कोई भी नेशन स्टेट तभी नेशन स्टेट होगा जब उसका अपना एक हीरोइक पास्ट होगा। ठीक, तो ये इनके द्वारा दी गई डिफिनेशन थी, इसको आप लोग प्लीज लर्न कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिनेशन ओके ऑफ नेशन स्टेट गिवन बाय अर्नेस्ट रेनन। अब देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में हम जानते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में थोड़ा सा फैक्ट समझेंगे, फिर उसके रिफॉर्म्स को समझेंगे ओके। तो नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म फ्रांस में हुआ था, एक आइसलैंड था वहां पे। इसके बाद इसका जन्म 15 अगस्त 1769 को हुआ था। ये एक रिच फैमिली से बिलोंग करता था, और फ्रांस में जब ये इसका जन्म हुआ तो जितने भी रिवोल्यूशन, जो भी एक्टिविटीज फ्रांस में हो रही थी, उन सभी एक्टिविटीज़ को ये अपने बचपन से ही देखता चला आ रहा था। ये बचपन, इसने अपने बचपन की पढ़ाई पूरी की पूरी एक फ्रेंच मिलिट्री स्कूल में की थी, और आगे बड़ा होकर ये एक बहुत ही ग्रेट मिलिट्री वार जनरल के रूप में जाना जाता है। 1799 में इसने डायरेक्टेड रूल को डिस्ट्रॉय कर दिया था और फ्रांस में इस्टेब्लिश कर दी थी अपनी डिक्टेटरशिप। और उसके बाद इसने कई यूरोपियन, कई नेबरिंग, फ्रांस के जो नेबरिंग स्टेट्स थे, कई नेबरिंग स्टेट्स पे इसने कनक्योर भी किया था, कई नेबरिंग स्टेट्स को इसने कनक्योर भी किया था। ठीक, इसके बाद ये फाइनली बैटल ऑफ वाटरलू में, इसको डिफीट कर दिया जाता है 1815 में, ब्रिटेन, पर्शिया, रशिया और ऑस्ट्रिया द्वारा। ठीक है, इन चार कंट्रीज के एलियंस ने मिलकर आपके नेपोलियन बोनापार्ट को बैटल ऑफ वाटरलू में 1815 को हराया था। और उसके बाद इसको सेंट हेलेना भेज दिया जाता है, जहां पर 1821 में इसकी मौत हो जाती है। ठीक, तो आई थिंक आपको नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में जो फैक्ट था वो क्लियर हो गया है। अब हम इसके आगे चलते हैं। ठीक, अब देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट ने जो आपके रिफॉर्म्स किया था, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 1804 का रिफॉर्म था सिविल कोड, इसको नेपोलियनिक कोड भी कहा जाता है। क्यों नेपोलियनिक कोड कहा जाता है? क्योंकि ये रिफॉर्म आपके नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा किया गया था। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड फैक्ट ऑफ क्लास 10। कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में इसको पूछा गया है कि बताइए सिविल कोड ऑफ 1804 क्या है या नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804 क्या है। या आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि बताइए नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस में और हर उस प्लेस पे जहाँ पे उसने कब्जा जमा रखा था, वहाँ पे उसने कौन से रिफॉर्म्स किए थे। ठीक है, तो यही रिफॉर्म्स आपके नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा किए गए थे। पहला, एस्टैब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून अब सबके लिए एक बराबर होगा। एबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम, राजा महाराजा वाली सरकार, राजा महाराजा वाले सिस्टम को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। तीसरा, इम्प्रूव कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम को भी इसने बहुत सुधारा था। चौथा, स्टैंडर्डाइज द वेट एंड मेजर्स, वेट और मेजर्स को। ठीक है, अब हर एक चीज का अपना वेट होगा, अपना एक मेजर होगा। ठीक, ये सिस्टम भी आपके नेपोलियन बोनापार्ट ने लाया था। इसके बाद सभी पर्संस को अब ये राइट दे दिया गया कि वो अपनी प्रॉपर्टी को सिक्योर कर सकें। इसके बाद कोई अब किसी का गुलाम नहीं होगा, फ्रीड पीजेंट फ्रॉम सेल्डम, कोई भी किसान किसी व्यक्ति का गुलाम नहीं होगा, सभी आज़ाद हैं अपने मनमानी तरीके से अपने कार्य करने के लिए। और मोनारियल ड्यू भी कोई नहीं देगा, राजा महाराजाओं को कोई किसी प्रकार का कोई भी टैक्सेस पे नहीं करेगा। प्रमोट द ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड को भी इसने प्रमोट किया था। ठीक, बैरियर्स को रिमूव किया था और ट्रेड को भी प्रमोट किया था। और सेकेंड थिंग, एबॉलिश द प्रिविलेजेस फ्रॉम बर्थ, जो आपके बर्थ से बहुत सारे लोगों के पास जो राइट्स थे, राजा महाराजाओं के पास जो बर्थ से राइट्स थे, उन राइट्स को भी इसने खत्म कर दिया था। कहा था कि अब सोसाइटी में कोई भी पर्सन के पास कोई भी प्रिविलेजेस नहीं होंगे, सारे के सारे पर्सन क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये कुछ रिफॉर्म्स थे जो नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा किए गए थे फ्रांस में और हर उस टेरिटरीज पे जहां पे इसका कब्जा था। तो स्टूडेंट, इसको सिविल कोड ऑफ 1804 भी कहा जाता है और नेपोलियनिक कोड भी कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का। देखिए, इस वीडियो में स्टूडेंट हमने काफी कुछ कवर किया। ठीक है, हमने नेशनलिज्म के डेफिनेशन को जाना, इसके बाद पूरे के पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट्स के लोगों के अंदर जो नेशनलिज्म की भावना वो कहाँ से आई। ठीक है, वो भी हमने समझा। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को भी हमने जाना। इसके बाद नेशन स्टेट क्या होता है, ठीक है, इसको भी समझा। इसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट्स के बारे में कुछ फैक्ट जाना, और नेपोलियन बोनापार्ट्स ने जो भी रिफॉर्म्स किए थे अपने टेरिटरीज में जिसको उसने कनक्योर कर रखा था, उसको भी समझा। अब इसके बाद देखिए, इस पार्ट में कुछ इंपॉर्टेंट आपके टर्मिनोलॉजीज थे, कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस थे जिसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ स्लाइड में। जैसा पहला है एब्सोल्यूटिज्म। देखिए, अकॉर्डिंग टू चैप्टर के अकॉर्डिंग इसमें बताया गया है कि एन अथॉरिटी और पावर विच हैव लिमिटलेस पावर।
एक ऐसी अथॉरिटी, एक ऐसा पावर जिसके पास अनलिमिटेड पावर है, ठीक है, जिसके पावर पे कोई भी संयम नहीं है, उसको कहते हैं एब्सोल्यूटिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एब्सोल्यूटिज्म कहा जा रहा है, क्योंकि उनके पावर पे कोई भी लिमिट नहीं था, कोई भी संयम नहीं था, उनके पावर पास लिमिटलेस पावर थी। वो लोग अपने पावर को अपने अकॉर्डिंग अपने तरीके से ही अपने एडमिनिस्ट्रेशन पे गवर्न करते थे, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट जो डिफिनेशन है, इथोपिया, इथोपिया का मतलब आइडल विजन ऑफ सोसाइटी, कहने का मतलब है कि एक अनयूजुअल विजन। इसमें आप कह सकते हैं कि सोसाइटी को देखने का मतलब एक अलग तरीका, तीसरी आंख से सोसाइटी को देखा जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि उसके नज़र से सोसाइटी में सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है, ओके। अब तीसरा देखिए प्लेबिसाइट, प्लेबिसाइट का मतलब है इट इज़ अ टाइप ऑफ डायरेक्ट वोटिंग सिस्टम। प्लेबिसाइट एक प्रकार का डायरेक्ट वोटिंग सिस्टम है जिसमें आपको प्रपोजल दिया जाएगा और आपसे केवल पूछा जाएगा यस और नो में। अगर आप उससे एग्री कर रहे हैं तो यस कहिए, अगर आप उससे एग्री नहीं है तो नो कहिए। तो स्टूडेंट ये था राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का पार्ट फर्स्ट, और अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए।